हम बात कर रहे हैं NHPC की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक जो है 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 92.85 पैसे पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद स्टॉक में एक जंप आया था, अगेन गिरावट आई थी, तो आपने इस लो को यानी 87 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया था। तो हमने कहा था यहाँ से खेल पलटता नज़र आ सकता है, और हमने कहा था कि 95-94 का लेवल इसके तगड़े रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। स्टॉक ने हायर हाई पैटर्न बताते हुए हमको 94 तक के टारगेट दिखाए, वहाँ से अगेन हमको छोटा मोटा सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो 87 के लेवल से स्टॉक अपने पॉजिटिव ट्रेंड में यहाँ से हायर हाई पैटर्न बता रहा है। इस वक्त स्टॉक अपने तगड़े रेजिस्टेंस के पास है, 94-95 का लेवल, जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर हमको 87 तक का फॉल दिखाया था। अब अगर गिरावट आती है तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 91-80 का लेवल, 91-80 इसको ब्रेक डाउन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 90 का लेवल, और स्टॉक जब तक इस लो के ऊपर यानी 87 के ऊपर है, बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। जिस तरह से चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग यहाँ अपने इस हाई को जहाँ से इससे पहले रिजेक्शन दिखाया था स्टॉक ने, उसको ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ सकता है 95 के लेवल को। जब सेलिंग आ रही है गिरावट के बाद, तो बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा, और गिरावट के बाद जंप आ रहा है तो स्टॉक अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है। इस अकॉर्डिंग स्टॉक ने बाउंस बैक किया है, छोटी मोटी गिरावट के साथ बाउंस बैक होकर अपने हाई को ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। लेकिन दोस्तों 94-95 के आसपास फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना ही ठीक रहेगा, ऐसा हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। NHPC इस बाउंस बैक के साथ अपने अप ट्रेंड के साथ 95 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर अगला टारगेट बनेगा 98-40 का लेवल, और इसको ब्रेकआउट करके NHPC में 100% टारगेट अब हमको शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक 100 के भी लेवल को ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।